इसका सर्वे हो चुका है और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर आता है ये मैसेज। मैंने ये सीरीज क्यों बनाई थी और ये हो क्या रहा है, मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंपलीफाइड बाय सारिका। सो मैंने नहीं सोचा था कि मैं एडॉप्शन सीरीज में ये भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड एडॉप्शन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इट्स रियली वेरी वेरी सैड। मैंने ये सीरीज क्यों बनाई थी और ये हो क्या रहा है, मतलब मैंने, आपने अगर देखा होगा तो मैं कल अगर आपने देखा होगा तो कल मेरे एक वीडियो के नीचे एक लेडी ने अपना खुद का इंस्टा आईडी शेयर किया है और वो ऐसे बोल रही है कि वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल अवेलेबल करा के दे सकती हैं आप लोगों को, आई डोंट नो हाउ। तो मुझे ये बहुत डाउट लगा तो मैंने उसके सारे मैसेजेस, उसने डिलीट किए हैं लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सभी मैसेजेस का, और फिर मुझसे जो हो सकता था मैंने किया कल पूरा दिन। फर्स्ट मैंने मेरे पापा को कॉल किया, मेरे पापा पुलिस है तो मैंने पापा को कॉल किया, पापा को बोला ये सब कि ये क्या है पापा, ये कैसे मैसेजेस आ गए देखो मेरे वीडियो के नीचे। तो पापा ने मुझे समझाया कि शायद ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रिलेटेड हो सकता है। आई गॉट सो शॉक्ड एंड स्केयर्ड कि ये क्या हो रहा है। मैंने ही तो ये वीडियोज इसलिए नहीं बनाए थे कि ऐसे वाले लोग आके मैसेजेस करेंगे मेरे वीडियोज़ के नीचे। और सेकेंडली फिर मैंने क्या किया, मेरे जो HSR एजेंसी के काउंसिलर थे तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी सेम थिंग यही बोली। तो ये कंफर्म हो गया है कि वो जो लेडी मैसेज कर रही है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंडर आती है, शी इज़ नॉट सेफ एट ऑल। सो जिन्होंने भी उसे इंस्टा आईडी पे मैसेज किया होगा उसके इंस्टा आईडी पे, आप प्लीज़ उसे ब्लॉक कर दीजिए, ओके। और अगर उसकी तरफ से कुछ आएगा, आपको इलीगल मैसेजेस आएंगे तो प्लीज़, अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे बोल दीजिए, वी विल थिंक व्हाट वी कैन डू, है ना। मुझे भी नहीं पता इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। और अब देखते हैं ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि सब्र नहीं है लोगों में। लोगों को ऐसे लगता है हमने एडॉप्शन की प्रोसेस फाइल करी है, इतने साल हो गए एडॉप्शन ही नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। अभी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, फिलहाल कोरोना की वजह से मम्मी पापा की डेथ हो गई है और ऐसी लड़कियां अवेलेबल है, दो लड़कियों का जो मैसेज वायरल हो रहा है तो उन्हें अडॉप्ट कर लीजिए। ये मुझे कल पता चला, ये भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंडर है ये मैसेज। और सेकेंड थिंग, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस देख रहे हैं कि इतना साल लग रहा है तो वो लोग डर रहे हैं अप्लाई करने से भी, तो वो अप्लाई ही नहीं कर रहे। तो उन्हें ये तरीका सही लग रहा है कि जो वो लेडी, वो तो सिर्फ एक लेडी हो गई इसलिए मैं बोल रही हूँ वो लेडी बोले, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ये तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस आया मुझे आपको कि वीडियो के नीचे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ गया, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग हमें ढूंढ लेते हैं, ओके। सो टाइम लगता है इस प्रोसेस को, तो क्यों लगता है ये टाइम। आपने अगर कारा पे अप्लाई किया है तो उन्होंने जो मैक्स टाइम पीरियड दिया है ना, अगर उन्होंने 3 साल बताया है तो विद इन 3 ईयर्स आएगा ही आएगा, आता ही है। आपने अप्लाई किया और बेबी नहीं आया, ऐसे नहीं होता, ऐसे क्यों होगा। आपका अगर वेटिंग लिस्ट नंबर आया है ना, मैंने बोला था इमीडिएट प्लेसमेंट के वीडियो में भी, अगर आपका वेटिंग लिस्ट नंबर आया तो 100% आप पेरेंट बनने ही वाले हो। हमारे टाइम 2 साल था तो 2 साल में आता ही था, तो हमें 1.5 साल में आ गया, तो ऐसे ही होता है, 2 या 2.5 साल आपको वेटिंग करना ही पड़ेगा। अभी एक एडॉप्शन प्रोसेस को 2 साल 2.5 साल लग रहे हैं, इसलिए किसी भी माँ बाप को ऐसे ही लगता है कि हमें बेबी जल्द से जल्द चाहिए। तो ठीक है, ये लगना भी ठीक है, ये जायज़ है, हम भी उस फेज से गुजर चुके हैं, हमने भी एडॉप्शन किया है। मैंने कभी ओपन नहीं किया था लेकिन ठीक है, अभी करना ही पड़ रहा है तो हम उस फेज से गए हैं, हमें पता है। क्योंकि शायद तब मुझे भी कोई बोल देता कि इतने इतने पैसे लाके दो आपको बेबी गर्ल, आपको बेबी बॉय, तो शायद हाँ मैं भी उसमें अटक सकती थी। लेकिन हमारे जो काउंसिलर थे वो मुझे टाइम टू टाइम इतना, मतलब वो हैमरिंग ही करा रहे थे कि मैडम प्लीज़
लीगल तरीके से ही एडॉप्शन करना है, लेकिन तब होता है वो ऐसे लगता है आपको बोलने में क्या जाता है, मैं जानती हूँ मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ, 6 साल विदाउट अ बेबी मैंने मतलब टाइम देखा है, विदाउट बेबी लाइफ क्या होती है मैं जानती हूँ। ओके, क्यों बढ़ गया है ये वेटिंग पीरियड ड्यू टू दिस पैंडेमिक? कल मुझे पता चला कि काउंसलर ने बोला मुझे कि नहीं दे पा रहे, वो कारा ने प्रोसेस स्टॉप करी है। अभी आप ही जानते हो कि लॉकडाउन कितना चल रहा है ये कोरोना की वजह से, रेड जोन्स, कोरोना की वजह से बहुत सारे जगहों में रेड जोन्स है, और भी बहुत रीजन्स होंगे, ये शायद कारा के गाइडलाइन में अवेलेबल होगा। आप लोग प्लीज़ रीड कीजिए ना, जब हम लोग उस प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे ना, तो हम लोग वंस इन अ मंथ कारा के गाइडलाइन कंपल्सरी रीड करते थे, हमने अलार्म ही सेट किया था वैसे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कारा की गाइडलाइंस, वहाँ पे हमें सब पता चल जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। मुझे तो इतना ही रीज़न पता चला है कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से कारा ने एडॉप्शन प्रोसेस समहाउ स्टॉप किया है, कम्प्लीट स्टॉप नहीं हुई है प्रोसेस, एडॉप्शन हो रहे हैं, लेकिन एडॉप्शन का जो ये था ना स्पीड, वो बहुत स्लो हो गया है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोलती हूँ लीगल एडॉप्शन के फायदे क्या हो सकते हैं। ओके, सो अगर हमने बेबी अडॉप्ट किया थ्रू कारा, तो सिर्फ कारा के जो मेंबर्स होते हैं जहाँ से हमने बेबी लाया उन्हें ही एड्रेस पता होता है हमारा, उनके अलावा वहाँ के अगेंस्ट जो वर्कर्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है हमारा एड्रेस, हमारा कोड, हमारा फ़ोन नंबर, तो ये कितना सेफ है। ओके, और कोई आज कल मुँह उठा के आ जाएगा कल मेरे घर पे कि आपने ऐसे कैसे अडॉप्शन किया, ये हमारा बेबी है, तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन से सारे है ना, तो इसमें हम पुलिस को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे और कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और सारा केस क्लियरली हमारी तरफ से ही होता है क्योंकि हमने लीगली अडॉप्ट किया है, हमने फोर्सफुली अडॉप्ट नहीं किया है बेबी को। ओके, सो ये बातें आप प्लीज़ समझ लीजिए, ये बहुत सेफ होता है। हमने एक बार कारा से बेबी अडॉप्ट किया ना, तो वो टिल 18 ईयर्स हमारा ही होता है, बेबी 18 ईयर्स का होने तक, आपको भी ये रूल पता है, बेबी 18 ईयर्स का होने के बाद ये बेबी की इच्छा होती है, उन्हें उसके रियल पेरेंट्स के पास मतलब वो जानकारी ले सकता है ये बेबी पे होता है। सो 18 ईयर्स तक वो बेबी कंप्लीट हमारा ही होता है, सिर्फ हमारा होता है। आरा में अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पैसे देने हैं, मैंने फीस का वीडियो बनाया है, सो जितने पैसे लगते उतने ही पैसे कारा लेता है। आप चाहे लखपति हो, आप चाहे करोड़पति हो, आपके पास इतनी सारी जायदाद हो, लेकिन पैसे तो उतने ही लेंगे कारा जितने डिसाइडिंग है, जितना कारा का फीस स्ट्रक्चर है इतने ही रहते। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मैसेज आया, मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया, जो उनका मनी क्राइटेरिया होगा वो उनको देना पड़ेगा। ओके, नॉट अ बिग डील, बेबी चाहिए सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, मुझे लेकिन बेबी चाहिए। लेकिन आप ये अपने आप से सोचो, क्या आपको सिर्फ कुछ दिन के लिए बेबी चाहिए, क्या आपको सिर्फ कुछ सालों के लिए, कुछ मंथ के लिए माँ बाप बनना है? नहीं, हमें तो हमेशा के लिए चाहिए ना अपना बेबी अपने पास, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है आपको फाइंड आउट करना, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीक होते हैं, आपका एड्रेस लीक होता है, आपके पैसे तो पैसे जाएंगे, जब कोई ऐसे रियल पेरेंट्स आएंगे तब आप पे लीगल एक्शन होगा कि आपके पास कोई प्रूफ है आपने ये बेबी अडॉप्ट किया है। आई होप आप ये बात समझ रहे हो। ओके, सो इस वीडियो के शॉर्ट करके पॉइंट्स बोलती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। फर्स्ट, आपको कारा के गाइडलाइन ऑलवेज रीड करनी है जब तक आपका बेबी का रेफरल आपको नहीं आता तब तक। सेकेंड, आपको वेट करना ही है, चाहे 2.5 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, नो मैटर, रियली डजंट मैटर, क्योंकि उसके बाद जो बेबी आएगा ना वो कम्प्लीट हमारा ही होगा। और थर्ड थिंग क्या है, हम लीगली ही बेबी अडॉप्ट करेंगे, चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, इतने पैसे दे दो, हम नहीं, हम इलीगल तरीके की तरफ जाएंगे ही नहीं। और फोर्थ पॉइंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग को सपोर्ट नहीं करते, है ना। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने ये वीडियो देखा है तो आप कंपल्सरी ये वीडियो शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, कंपल्सरी। ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए या मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, इसलिए नहीं, ओके, या मुझे लाइक्स चाहिए, इससे कुछ नहीं होता एक्चुअली। ये क्या है, इस वीडियो के पीछे का मेन मोटिवेशन क्या है, ये मैंने एडॉप्शन सीरीज की है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वालों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट किया है मैंने, ये आप लोगों के लिए,
हमारे जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दिया है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे किसी गलत चीज़ का हिस्सा नहीं बनना है। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है अंदर से। ओके, अभी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल आईडी पे आप डाल सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय, बी सेफ।